फोरहेड से स्टार्ट करना है, 6B पेंसिल लो अपन, 6B, ठीक है, फोरहेड से स्टार्ट करते। तो देखो डार्क एरिया बहुत स्मूथली करना है, यहाँ पे जैसे HB यहाँ तक था, 2B यहाँ तक था, 6B थोड़ा पीछे ही रहेगा क्योंकि ये डार्कर एरिया है, बॉर्डर बॉर्डर पे थोड़ा ज़्यादा डार्क हुआ, ये थोड़ा लाइट होना स्टार्ट हुआ, थोड़ा और लाइट होगा, और लाइट हुआ आगे आते आते, अब ऊपर वाले पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा नीचे वाले में, ऊपर में यहाँ आते आते ऐसे गायब हो गया, नीचे में ऐसे ही कंटिन्यूसली चलता रहा, थोड़ा इसके नीचे रहेगा, ये हल्के तरीके से आएगा, सेम चीज यहाँ पर रहेगी, हल्के हल्के तरीके से करेंगे, इसमें भी सीधा ऊपर जाएंगे, ऊपर वाले हिस्से में लाइट लाइट हो गया ये आगे ब्लेंड करने के लिए, नीचे वाले पोर्शन में ये ज्वाइन हो जाएगा, लाइटली करना, बहुत डार्क नहीं करना, ठीक है, 6B पेंसिल बहुत ज्यादा एकदम घिसना नहीं है, और ऐसा नहीं कि एकदम ही लाइट कर दो कि 4B मतलब क्या कहते हैं 2B जितना दिख रहा है, डार्क इनफ भी रखना है अपन को ऐसे, ठीक है। इसके बाद क्या करो, ये एरिया गायब हो जाए, इससे पहले आईब्राउज बना देते हैं अपन, आईब्राउज जरा एक बार देखो, मैं मैकेनिकल पेंसिल से बना रहा हूँ फर्स्ट लेयर, तो लेफ्ट वाले स्टार्टिंग में इधर उधर भग रहे हैं, ठीक है, फिर पीछे की तरफ जाना स्टार्ट हुए, पीछे की तरफ गए इस तरीके से, यहाँ भी पीछे की तरफ ही ऐसे जाएंगे, पूरे सारे जो आईब्राउज हैं सब पीछे की तरफ इस तरीके से जा रहे हैं, पीछे से थोड़े आगे की तरफ आएंगे, बस यहाँ सारे सारे ऐसे पीछे की तरफ ही जाते जाएंगे, मैकेनिकल पेंसिल से बना रहे आईब्रोज फर्स्ट लेयर, ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं, हल्के हल्के कर्व्ड है, तो ये चीज ध्यान रखना, इस तरीके से फर्स्ट लेयर भी, राइट साइड में भी थोड़े इस तरीके से बिखरते हुए ऊपर जाते हुए, फिर एकदम इसने अपनी डायरेक्शन पकड़ी, राइट साइड गए, ठीक है, ये एक बार ध्यान रखना, थोड़ा शेप यहां से उठ रहा है तो इनका ऐसे ऊपर की तरफ हो जाएगा, इस तरीके से पीछे की तरफ कर्व करते करते चले गए, हल्का हल्का नीचे की तरफ लाएंगे ताकि दिखे कि ये चेहरे पे मिक्स हो रहे हैं, और ये अपने फर्स्ट लेयर आईब्राउज की भी बन जाती है। अब आईज पे पोर्शन पे आते हैं, ठीक है, देखो प्रिटी मच सिमिलर है फर्स्ट लेयर के और सेकेंड लेयर के, तो यहाँ देख लो, पहले साथ साथ नहीं करो, पहले देख लो, ये जो आउटलाइन आ रही है ये धीरे धीरे इरेज होती जाती है, ब्लेंड होती जाती है, तो उसे रिवाइव करो, इसकी आउटलाइन आ रही है हल्की सी, तो ये ड्रॉ कर लो, नीचे वाले पोर्शन में हल्के हल्के ऐसे शेड करते हुए करना, सेम चीज यहाँ पे, आईब्रोज की आउटलाइन करोगे, थोड़े आईलैशेस वाले पोर्शन पे भी जाएगा, ओके। अब जो डार्क एरिया दिख रहा है जैसे ये वाला स्पेसिफिकली, थोड़ा इस पे ध्यान दो, अभी ये है इस तरीके से कर्व करते करते नीचे आएगा, थोड़ा सा प्रेशर के साथ करना, डार्क रखना ऐसे अपन को, बहुत ज्यादा भी मत करना कि एक लाइन ड्रॉ कर दो, हल्का हल्का यहाँ पे अंदर की तरफ शेड करो हल्का सा, ताकि ब्लेंडिंग के टाइम आसानी रहे, हल्का सा, फिर अंदर की तरफ है, अब देखो इधर पे नहीं करना है इस एरिया में, यहाँ देखो शाइन है, इसके ऊपर वाले एरिया में करना है, तो धीरे धीरे ऐसे सर्कुलर शेडिंग करते रहो, और जो शेप दिख रहा है तुम्हें, तो मुझे ये शेप दिख रहा है इस तरीके से पीछे की तरफ आता हुआ, इस तरीके से धीरे धीरे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, बहुत आराम से करना, और देखो अगर मैं ब्लेंड कर दूं ऐसे में तो ये लाइन बन जाएगी, तो यहाँ पे हल्के हल्के तरीके से, बहुत हल्के हल्के तरीके से एक लेयर बना दो शेड, ताकि ब्लेंडिंग में आसानी रहे, ओके, बहुत हल्के तरीके से, आई
आईज के नीचे वाला जो पोर्शन है ये वाला है, इधर पे भी ऐसे ही ब्लेंड करना है। बस ये है कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए ये लाइट हो जाएगा, तो ये लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लाइट हुआ और लाइट हुआ और लाइट हुआ और इस तरीके से हो गया। ठीक है, ये हुआ हल्का हल्का। यहाँ पे आसपास आसपास भी शेड करो ताकि ब्लेंडिंग के टाइम पे मुश्किल ना हो। हल्का हल्का शेड कर रहा हूँ मैं आसपास उस एरिया के। नोज पे भी यही रहेगा कि नोज पे हल्का हल्का ये कर्व जा रहे हैं जो कि तुमने आउटलाइन दी, 6B से हल्का हल्का शेड करोगे बहुत हल्के तरीके से। ठीक है, मैंने क्या बोला डायगनल में करो तो हल्के तरीके से करना शेड, हल्का सा बाहर की तरफ किया और हल्का बहुत हल्का अंदर की तरफ किया। ठीक है, तो ये एक साइड का पोर्शन होता है अपना। तो पहले फोरहेड किया, आईब्रोज फिर लेफ्ट आई करी, तो पहले इतना कर लो फिर अपन राइट आई और बाकी का एरिया देखते हैं। तो राइट आई भी इसी तरीके से स्टार्ट होगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं करना कि राइट साइड वाला पोर्शन लाइट कर दो, ये वाला पोर्शन जितना लेफ्ट में डार्क है उतना ये राइट में होगा। अब ऐसा नहीं कि पूरा नीचे तक ले, ऐसे कितना पोर्शन डार्क है और इतना डार्क है, हल्का हल्का ऐसे शेड करते करते ऊपर लाए, बाकी अपन यहाँ करेंगे। पीछे वाला पोर्शन, ये नीचे वाला पोर्शन, तो नीचे वाला पोर्शन कैसे राइट टू लेफ्ट लाए और लाइट होता गया, लाइट होता गया और लाइट होता गया। ठीक है, यहाँ पे ऊपर वाला पोर्शन करेंगे शेड, तो ये डार्क है और डार्क टू लाइट ले जाएंगे ऊपर की तरफ। बस ये भी पीछे शेप में आ रहा है, देखो ये पूरा डार्क था ऐसे, यहाँ उतना ज्यादा नहीं है, यहाँ पे इतने पोर्शन में है ये ऐसे। हल्का हल्का आसपास शेड करो ताकि ब्लेंडिंग में आसानी रहे। ओके, आराम आराम से यहाँ शेड कर रहे अपन। ठीक है, इस तरीके से। और अब नोज पे आते हैं, तो नोज पे क्या है, जैसे यहाँ पे हल्का सा किया नोज को, तो पहले एक बार आउटलाइन अच्छे से दे दो, बहुत ज्यादा ब्लेंड हो गई है। नोस्ट्रल नोस्ट्रल, ठीक है, हल्का सा शेड करना है, बहुत हल्का सा। आराम आराम से आउटलाइन देनी है बहुत हल्के तरीके से, एकदम डार्क आउटलाइन नहीं देनी है, ये सिर्फ शेड कर रहा हूं मैं हल्का सा। ये जो ऊपर का पोर्शन जा रहा है ऐसे कर्व होते हुए, ये अब इसको क्या करना, मैंने क्या बताया था, हल्के हल्के से शेड करना बाहर बाहर की तरफ, थोड़ा डायगनल में ले जाना। ठीक है, इसको अब क्या करो, हल्का हल्का सा शेड करो अंदर की तरफ, हल्का सा, हल्का हल्का शेड करो अंदर की तरफ बहुत लाइटली 6B से, आईब्राउज के बीच बीच वाले पोर्शन में भी बहुत हल्के हल्के तरीके से। ठीक है, उस तरीके से किया अपन ने। चीक्स वाला जो पोर्शन आता है, चीक्स वाला पोर्शन अपन यूजुअली डार्क रख रहे हैं, तो एक बार हल्की सी आउटलाइन दो। देखो आउटलाइन को ऐसे बहुत डेफिनेट एकदम शार्प नहीं देना है, हल्का सा ऐसे शेड करते करते बनाओ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि शेप गड़बड़ हो जाए शेड के चक्कर में। ये हुआ, अब देखो तुम्हें क्या करना है, इधर से स्टार्ट करो ऊपर ले गए, यहां पे लाते आते लाइट कर दो। ठीक है, लाइट कर, क्या कर दो, एकदम ही लाइट, यहां से स्टार्ट किया, ये हेयर्स आ रहे हैं इस तरीके से बना दो आपने, ये डार्क आ रहे हैं, ये लाइट हुआ और लाइट हुआ, ऊपर आते आते लाइट हो गया। ठीक है,
बहुत ज्यादा ऐसे एकदम लाइन नहीं ड्रॉ करनी है जैसे अभी अपन कर रहे थे, हल्का हल्का ऊपर से नीचे शेड कर रहे थे, अभी बॉर्डर से लेके अंदर की तरफ शेड होगा। तो शेप का ध्यान रखना, ये डार्क है, ऊपर ले जाते लाइट हुआ, ये डार्क है, अब हल्का सा ऊपर ले जाते लाइट हो गया, डार्क है, हल्का सा लाइट हो गया, चिन वाले पोर्शन में डार्क है, हल्का हल्का ऊपर ले जाते लाइट हो गया, फिर ये डार्क है, ऊपर ले जाते लाइट हो गया। देखो अपन का क्या है, डार्क टू लाइट वाला पोर्शन भी अच्छे से आ जाएगा, और ऐसा भी नहीं होगा कि एक लाइन सी बनेगी। सेम चीज यहाँ पे भी करना है अपन को, बस ये है कि स्मूथली करो। तो मैं अभी तुम्हें एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, मैं इसके ऊपर एक और हल्का हल्का लेयर चलाऊंगा ताकि जो बीच बीच में गैप छूट रहा है ना वो मैं फिल कर सकूं। ये डार्क है, बाहर की तरफ ले जाते मुझे से लाइट करना है। ये मेरा जो चीक्स पे डार्क वाला पोर्शन है ये हो जाता है। ये देखो अभी 6B से किया है, अगर मुझे लगता है कि मुझे और डेप्थ चाहिए तो मैं यही सेम टेक्निक 8B से ट्राई करूंगा। ओके फिर अब 6B को डाउनग्रेड कर दो 4B के शेड में, ठीक है, बहुत लाइट, और हल्का हल्का नोज वगैरह चीक्स वगैरह के आसपास चलाने लगो, ऐसे HB यहाँ तक, 2B यहाँ तक, 6B थोड़ा और नीचे तक, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ बॉर्डर बॉर्डर के पास भी थोड़ी थोड़ी आएगी, स्मूथली करना, बाकी के नीचे वाले पोर्शन में भर दो अच्छे तरीके से। यहाँ राइट गए, सेम चीज यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे जो हाईलाइट छोड़ा है नीचे उसका ध्यान रखना, अपन क्या करते गलती से उसे भी फिल कर देते। यहाँ से आ रहा है, ये 6B वाले पोर्शन को अच्छे से स्मूथली करते जाओ, ठीक है। आईज के नीचे वाले पोर्शन को हल्का हल्का शेड करो, इस तरीके से धीरे धीरे, ठीक है, एंड देयर यू गो, हमारा चेहरे में 6B की जो लेयर रहती है वो भी कंप्लीट हो जाती है। ओके तो इतना करो, नेक वाले पोर्शन में भी अपन ने 6B से शेडिंग कर ली थी, हल्का हल्का खाली पोर्शन को बहुत लाइटली लाइटली 6B से करना, जो डार्क पोर्शन है उसे अच्छे तरीके से 6B से करना, जैसे ये वाला पोर्शन आ जाता है। ओके तो ये वाले पोर्शन को जरा भले दो लेयर दे दो नीचे नीचे, और लेकिन डार्क रहना चाहिए। तो अब आते हैं ब्लेंडिंग पे, ठीक है, क्योंकि अपन का जो हाईलाइट इतने ज्यादा छोड़ रखे हैं उन्हें भी थोड़ा कम करना है। तो ब्रश से कर सकते हो या कॉटन से, मैं स्टार्ट करता हूँ, एक काम करता हूँ कॉटन से स्टार्ट करता हूँ पहले, एक बेसिक बेसिक, और फिर उसके बाद ब्रश से कर दो, ठीक है। फोर हेड तो अपना आराम से हो जाएगा, ठीक है। फोर हेड पे एक बात ध्यान रखना, जो अपना हाईलाइट है उसके सराउंडिंग में हल्का हल्का ऐसे ब्रश चलाना आराम आराम से, ठीक है। ब्रश चलाओ, फिर लेफ्ट टू राइट ब्रश को ऐसे वर्टिकली चलाओ ताकि जो डार्क पोर्शन है सेंटर पे आते आते थोड़ा लाइट हो, ये राइट डार्क पोर्शन है सेंटर पे आते आते लाइट हो, और ब्रश को इसके अराउंड चलाओ, ठीक है। फिर नोज वाला पोर्शन आता है, नोज वाले पोर्शन के सराउंडिंग में चलाओ, ऐसे कर्व करते हुए चलाना थोड़ा, ठीक है, एकदम भरना नहीं है लेकिन कर्व करते हुए चलाना। फिर ब्रश चला इस तरीके से यहाँ पे आईज के ऊपर दोनों साइड, ओके, आईज के नीचे से कर्व करते करते हल्का हल्का नीचे लाओ हाईलाइट वाले पोर्शन में, सेम चीज यहाँ पे भी हल्का हल्का कर्व करते करते नीचे लाए। ये पोर्शन का कॉटन से करना हो अगर तो कॉटन को एकदम पतला बनाओ, हल्के हल्के से ऐसे ब्लेंड करो इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे अब मैंने क्या बोला, ब्लेंडिंग स्टम्प लो, जो ये डार्क एरिया किया था अपन ने 6B से थोड़ा, इसको ऐसे ब्लेंडिंग स्टम्प की मदद से सर्कुलर चलाओ और उसको उस पर्टिकुलर एरिया पे ब्लेंड करो ताकि एक शेप भी अच्छा आ जाएगा। ठीक है यहाँ पे भी सेम चीज,
को स्मजेस नहीं आने चाहिए, बस इस तरीके से डेप्थ आ गई है, इतना काफी है। चीक्स वाले पोर्शन पे ये जो एरिया है जैसे, तो क्या करो इसकी बॉर्डर पे हल्का हल्का ऐसे ब्रश चला लो, सेम चीज यहाँ पे भी, थोड़ा चिन पे भी करो, चिन पे करते करते धीरे धीरे ऊपर ले आए ताकि ब्लेंड हो गया अच्छे तरीके से। यहाँ पे बॉर्डर से स्टार्ट करो एकदम आउटलाइन से, ठीक है, जैसे शेडिंग करी थी ना धीरे धीरे बाहर की तरफ लाए, वही सेम चीज ब्रश से करना है, इसे धीरे धीरे करते करते बाहर की तरफ लाए। ये सेम चीज यहाँ पे भी करनी है, धीरे धीरे बाहर की तरफ लाए। ओके, ये हुआ अपना। कॉटन लो, कॉटन से नोज के नीचे वाला एरिया, नोज और लिप्स के नीचे वाला एरिया से धीरे धीरे सर्कुलर चलाओ, ये जो हाईलाइट है उसके नीचे नीचे उसके सराउंडिंग में चलाओ ऐसे धीरे धीरे। हाईलाइट बहुत ज्यादा नहीं छोड़ना है आप, ठीक है, हल्का से रहना चाहिए। पहले अपन ने बड़ा छोड़ा था, अब अपन उसकी थोड़ी जो शेप कटिंग है वो करेंगे, साइज कम करेंगे उसका। यहाँ यहाँ लिप्स के नीचे चलाओ या चिन के हाईलाइट पे चलाओ, जो डार्क एरिया है ना इसके थोड़े से सराउंडिंग में चलाते चलाते बाहर की तरफ ले जाओ इसे, ठीक है, ताकि वो एक लाइन ना दिखे सिर्फ। कॉटन से भी करो थोड़ा, ये अपना हो जाता है। जो लिप्स के नीचे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है डार्क, वो अपन बाद में करेंगे जब लिप्स करेंगे। अब अपन क्या करेंगे, कॉटन लेते हैं, जो डार्क एरिया नेक पे आ रहा है उस पे करते हैं, जो हाईलाइट्स छोड़े हैं उनकी सराउंडिंग पे। धीरे धीरे शेड करते करते धीरे लेफ्ट गए, या शेड करते करते ब्लेंड करते करते कॉटन चलाते हुए राइट है। यहाँ पे हल्का सा हाईलाइट छोड़ना है, और ये जो डेप्थ आ रही ना अपनी, इसको ब्रश की मदद से फैलाओ। ओके, तो ब्रश की मदद से फैलाओ। सेम चीज अपन को लेफ्ट साइड और बाकी एरियाज में भी करना है। तो यहाँ पे किया, जो हाईलाइट छोड़ रखे हैं उन्हें उनकी बॉर्डर को हल्का हल्का कम करूं। कॉटन है यहाँ पे चलाओ लेफ्ट अपने शोल्डर पे, ब्रश को अच्छे से चलाओ, खासकर ये डार्क पोर्शन में और बॉर्डर बॉर्डर पे, ठीक है। तो ये अपनी जो 6B वाली लेयर है वो भी ब्लेंड हो जाती है। इसके बाद अपन नेक पे जो 8B की लेयर है वो डालेंगे, ईयर्स करेंगे, और फिर अपन एक एक एलिमेंट पकड़ के आईज नोज लिप्स कंप्लीट करेंगे ताकि चेहरा कंप्लीट लगे अपना। तो इतना करो, एट भी पेंसिल ले लो। ओके, अब थोड़ा डार्क करना है, देख सकते हो डिफरेंस। यहाँ पे अपन क्या है, जैसे मैकेनिकल पेंसिल इरेजर लो अपनी, तो ये जो है बॉर्डर बॉर्डर हल्का सा यहाँ पे ऐसे इरेज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो सेम चीज, हल्का हल्का ऐसे इरेज हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो अपन इसके नीचे नीचे चलाएंगे, ये अपना जो हाईलाइट आ रहा है ये कर लिया, और इसके नीचे क्या 8B से डार्क करना स्टार्ट करें। ये वाला पोर्शन होता है, यहाँ नीचे नीचे डार्क करने आए, ठीक है। ये वाले पोर्शन अपन को बहुत डार्क करने की जरूरत नहीं है, आई थिंक इतना काफी रहता है ये। ओके, ये वाले पोर्शन मेनली ये वाला है, नेक वाला, थोड़ी सी कॉलर बोन, और ये लेफ्ट शोल्डर। नेक वाले पोर्शन को अपन जरा अच्छे से करो, ठीक है, घिस के नहीं शेड करना, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा उस जगह पे आने में, लेकिन कंटिन्यूअसली चलाते रहो, ठीक है। इस डायरेक्शन में चलो ताकि शेप में भी आ जाए,
ऊपर नेक फेस के पास डार्क रखना, थोड़ा नीचे आते आते हल्का हल्का लाइट हो गया, ठीक है। इस तरीके से नीचे नीचे आए, नीचे आते आते लाइट हो जाएगा ये, लेकिन चिन वाले पोर्शन के पास डार्क रहेगा। ऐसा नहीं बहुत हल्का फुल्का सा, थोड़ा अच्छे से करना ताकि जो डेप्थ मिल रही है अपन को नेक में, रिफरेंस में, वो अपनी स्केच में भी है। ये कॉलर बोन वाला पोर्शन हल्का हल्का, देखो मैं एकदम बहुत प्रेशर के साथ नहीं कर रहा हूँ कि एक बार में आ जाए, और जगह पे लेयर लेयर चला रहा हूँ इसे, ये है तो मैं भी वैसे ही करना है। हल्का हल्का जहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि यहाँ यहाँ पे थोड़ी सी डेप्थ है, थोड़ा आगे आगे डेप्थ है, वहां दो। ये ऊपर वाले पोर्शन में पूरे में नहीं करना है, देख सकते हो ये थोड़े स्लॉट से बने हुए। तो अब क्या करो, मैकेनिकल इरेजर लो अपनी मोनो जीरो, ये बनाया, यहाँ पे एक कर्व हल्का हल्का, यहाँ पे थोड़ा एक ऊपर ये बनाया। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर से नीचे आते आते डार्क टू लाइट होगा, तो ये डार्क है, नीचे आते आते लाइट हो गया, डार्क है, ये डार्क है, नीचे आते आते लाइट हो गया, ये डार्क है, नीचे आते आते लाइट हो गया। तो ये ऐसी चीज रखनी है पूरे में, इस शोल्डर वाले पोर्शन में भी ये डार्क रखो, थोड़ा अंदर आते आते लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जो आ रहा है वो लाइट होता जाएगा। ये वाला जो कर्व दिख रहा है इसे थोड़ा डार्क रखना, क्योंकि तो रेफरेंस में अच्छा खासा डार्क है वो, बाकी वाले पोर्शन ऊपर डार्क है, नीचे आए नीचे आए और लाइट होता गया। ओके अब एकदम से ये वाले पोर्शन छोड़ नहीं सकते, तो हल्का हल्का एट भी चलाई, हल्की थी बहुत थोड़े इस पोर्शन में, और बस हो जाता है इतना। तो इसको अब ब्लेंड करने के लिए पहले कॉटन से करो, ठीक है, थोड़ा यहाँ यहाँ पे भी रह गया अपना शोल्डर पे, तो ऊपर से नीचे डार्क टू लाइट, डार्क टू लाइट लाइट बॉर्डर बॉर्डर पे, जैसे अभी करते हुए आ रहे थे अपन, और ये हो गया। कॉटन लो और अच्छे तरीके से चला लो, क्योंकि इसके बाद से ब्रश चलाएंगे, ब्रश स्पेसिफिकली उस एरिया की डायरेक्शन सही करने, ये कॉटन से अपन ब्लेंड कर देंगे। ये बाकी एरिया चेस्ट वाले पोर्शन पे, यहाँ पे हाइलाइट्स के पास कॉटन में इतना ग्रेफाइट होगा कि ये नीचे वाला पोर्शन थोड़ा डार्क हो सके। शोल्डर पे आए, यहाँ किया, ठीक है। तो अब ब्रश लो, ब्रश से बॉर्डर बॉर्डर पे आराम से करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। नेक वाले पोर्शन में डायरेक्शन बनाओ, यहाँ यहाँ पे शोल्डर पे बनाओ, बस स्मूथ करना है तुम्हें, थोड़ा ब्रश चला के रहो। इस तरीके से अपना नेक का पोर्शन हो जाता है, नेक ने पे एकदम रियलिस्टिक लग रहा है, ठीक है। इतना करो ताकि फिर अपन ईयर्स करें, आईज करें, ईयर्स करने हाथ के नीचे कोई पेपर रख लो ताकि फैले ना। यहाँ पे जो ईयर है उसकी आउटलाइन मैंने हल्के से दी, जो अंदर डिटेल्स हैं थोड़ी सी उसे यहाँ पे आ रही हैं। ओके इतनी काफी है। 8B पेंसिल लो, पहले हल्का हल्का 8B से पूरे में एक लेयर डाल दो, ऊपर ऊपर वाले पोर्शन में डालो, सिर्फ नीचे हल्का हल्का रखो, काफी है 8B से। फिर ऊपर वाला हिस्सा ब्लेंड करो और हल्का हल्का ग्रेफाइट नीचे ले आओ। अब क्या करना, अब डार्क करो, ठीक है। एक ही पेंसिल, देखो तुम चाहो तो अलग अलग कर सकते हो लेयर्स, ठीक है। जैसे अगर 8B से ही नहीं करना, एक काम करो 4B लो, ठीक है। 4B ली, 4B से ऊपर डार्क टू लाइट नीचे, तुम्हें पता ही। अब ऐसा नहीं कि पूरा एकदम ऊपर का आधा हिस्सा डार्क, नीचे का एकदम लाइट, नहीं, ऐसे बॉर्डर बॉर्डर पे है, हल्का हल्का बॉर्डर बॉर्डर किया, फिर यहाँ पे हल्का हल्का बॉर्डर पे किया, यहाँ पे पूरे में ही है, ठीक है, इस तरीके से। और फिर इसको क्या करो, ब्लेंडिंग स्टंप की मदद से ब्लेंड करो,
ठीक है। फिर इस तरीके से अपन ने एट भी पेंसिल ली, ऊपर कैसा डार्क किया पूरा, नीचे का हिस्सा डार्क किया, हल्का हल्का ये छोड़ देंगे बीच में हाईलाइट से, और फिर ये अपन वापस ब्लेंडिंग स्टम्प की मदद से ब्लेंड कर दिया। ठीक है, तो ये देखो अपने राइट वाला ईयर कंप्लीट हो गया, स्किन के टोन के साथ भी मैच कर रहा है। सेम चीज सही लेफ्ट वाला हो गया, राइट वाले में करेंगे। राइट वाले में क्या करूँ, आउटलाइन दो सबसे पहले, बहुत एकदम गड़ा के नहीं देनी आउटलाइन, आराम से ही देना, मैकेनिकल पेंसिल से ही कर रहा हूँ ये मैं। और भी से हल्का हल्का पूरा मैं ऐसे शेड कर दो, बहुत लाइटली लाइटली, और फिर ब्लेंड कर लो, कॉटन से ही कर लो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब ऊपर वाला पोर्शन जो डार्क है और ये वाला पोर्शन जो डार्क है, जैसे यहाँ पे तो ऐसे हल्के हल्के बाल आएंगे, बाकी का पोर्शन जो डार्क है उसे डार्क किया, यहाँ ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट छूटा है। अब देखो कंपेयर क्या कर रहा हूँ मैं, ऐसे ये हाईलाइट छूटा है, मैंने भी छोड़ दिया ये इतने, ये ऊपर का हिस्सा मेनली ये वाला, ये ऐसे डार्क है, ये डार्क किया, बीच का ये हिस्सा लाइट छूट रहा है तो लाइट किया, बॉर्डर बॉर्डर पे गए अगर तो बॉर्डर डार्क सी है, ऊपर का हिस्सा लाइट लाइट सॉरी डार्क किया, और बॉर्डर बॉर्डर हल्की सी जो आउटलाइन है इसे मैकेनिकल पेंसिल या फिर 4B से ही डार्क कर लो। ब्लेंडिंग स्टम्प से ब्लेंड करेंगे, खासकर जो एरिया डार्क है और ये जो बॉर्डर बॉर्डर वाला पोर्शन है, बीच का हिस्सा थोड़ा छोड़ देंगे। देखो बीच के हिस्से में थोड़े ज़्यादा हाईलाइट से हैं, तो क्या करना है, मैकेनिकल इरेजर लो या फिर मोनो जीरो इरेजर, इस तरीके से हल्के हल्के ये बना दो। थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर हाईलाइट, ठीक है। 8B पेंसिल लो, आउटलाइन वाला पोर्शन डार्क करो, ये वाला पोर्शन डार्क हुआ, हल्का हल्का सा ये करो, क्योंकि यहाँ बाल आएंगे उसमें भी परेशानी नहीं है। और फिर इस पे क्या करो, ब्रश चला दो, तो उससे क्या होगा, ये जो एकदम ज्यादा ही ओवर एक्सपोज्ड हाईलाइट है ये भी फिल हो जाएंगे और एक स्मूथ शेप भी आ जाएगा। तो ओवल ओवल चला दो तो ज्यादा भी नहीं भरेंगे। यहाँ पे हाईलाइट इरेज हो गया, ब्रश को ऐसे सर्कुलर चलाओ, ठीक है, और ये अपने ईयर्स जो हैं फेस के कंट्रास्ट में कंप्लीट हो गए हैं, तो इतना ठीक है। आईज नोज लिप्स वगैरह अपन बाद में करते हैं।